इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको अपने आई क्यूब जेड सिक्स लाइट 5G के मोबाइल फोन में एक सेटिंग्स देखने को मिल रहा है 100 क्लिपबोर्ड एक्सेस का, तो ये सेटिंग्स क्या होता है और इसका क्या यूज है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो से पहले चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करेगा। इसके लिए आई क्यूब जेड सिक्स लाइट 5G मोबाइल फोन की सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाकर नीचे आना है। नीचे आने पर आपको यह मिलता है प्राइवेसी का ऑप्शन, इस पर करिएगा क्लिक। इसमें आपको आना है नीचे, नीचे आने पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है 100 क्लिपबोर्ड एक्सेस का। इस तो अगर आपके फ़ोन में ये सेटिंग्स ऑन रहता है या बंद है तो आप यहाँ पर क्लिक करके ऑन कर देंगे तो देखिए क्या होगा कि अगर आप दोस्तों कोई भी मैसेज, टेक्स्ट, इमेज या इमोजी को कॉपी करेंगे तो आपके क्लिपबोर्ड जो है उसे एक्सेस कर लेगा और तुरंत ही आपको शो कर देगा। तो आप जो है पेस्ट करके फिर किसी को सेंड कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे दोस्तों देखिए, मैं जो है यहाँ पर एक चीज़ आपको दोस्तों देता हूँ दिखा। अब मान लीजिए दोस्तों, हम जो है यहाँ से एक इमोजी सेंड कर देते हैं, आप देख सकते हैं सेंड कर दिया। अब देखिए, हम इसको लेंगे कॉपी कर, तो इस पर हम फिंगर को दबाते हैं और यहाँ से लेते हैं कॉपी कर, ये कॉपी हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लिप मोड में ये तुरंत ही शो कर रहा है। तो इसे जो हम यहाँ से पेस्ट करके सेंड सेंड बटन पर क्लिक करके फिर से सेंड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप जो भी चीज़ें कॉपी करेंगे, टेक्स्ट, मैसेज, फोटो, इमोजी, तो वो आपको क्लिप बोर्ड में तुरंत ही शो कर देगा जो भी आपके क्लिप बोर्ड ने एक्सेस किया होगा वो चीज़ें। सो इस तरीके से आप इस सेटिंग्स को यूज कर सकते हैं शो क्लिप बोर्ड एक्सेस को। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।